चीफ की रेस कौन जीतेगा, कौन कप्तान, कौन परफेक्ट, किसको कौन सा शौक है, तीन जजेस की कहानी सामने आ गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तायुनाती का इख्तियार अब पार्लियामेंट के हाथ आ चुका है और सभी जानते हैं कि रेस में तीन जजेस शामिल हैं। अगर सीनियोरिटी की बुनियाद पर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। क्या आप जानते हैं कि सीनियोरिटी लिस्ट में ये तीनों जजेस में क्या चीज एक जैसी है? ऐसी तफसीलात के सब हैरान रह जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी एचीसन के ग्रेजुएट हैं। ये वही एचीसन है जहां से इमरान खान, चौधरी निसार अली खान, सरदार अयाज सादिक, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, अकबर बुगटी, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उमर अयूब खान, परवेज खटक और इन जैसे कई नाम शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी तीनों शुरू से कमांडिंग पोजीशन पर रहे हैं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अपने अपने बैजेस के हेड बॉयज थे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह पूरे कॉलेज के प्रीफेक्ट थे। जस्टिस याहिया और जस्टिस मुनीब अख्तर टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अब भी टेनिस खेलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी जज बनने से पहले कई साल तक एक ही लॉ फर्म में पार्टनर भी रह चुके हैं। फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस याहिया कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट हैं, जबकि जस्टिस मुनीब मशहूर जमाना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं।